नाथ जी गुरु जी को लख आदेश, माँ भगवती को लख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को लख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। एक बारी एक औघड़ थे, वो अपने मित्र के घर गए और फिर वहाँ से गए श्मशान। जो इनके मित्र थे, इनकी मौसी का देहांत हो गया था। तो जब आप जादूगर से मिलते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि आप जादू देखें, जब आप कारीगर से मिलते हैं तो आपको मन होता है कारीगर ही देखें। एक औघड़ से जब कोई मिलता है तो क्या इच्छा होती है कि भूत देखे, प्रेत देखें। तो इन्होंने बोला, अरे कुछ साधना की है, कुछ सिद्धि की है तो मुझे प्रेत दिखा दो। तो औघड़ ने बोला, नहीं नहीं ये सब मत करो, हाँ एक तो तुम्हारी रिलेटिव थी, दूसरा प्रेत देखना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, बहुत भयावह होते हैं। तो उसने बोला कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, और ऐसा कुछ होता ही नहीं है भूत प्रेत, तुम लोग ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हो। तो ये औघड़ उठा और वो जो एक धुआं करते हुए मिट्टी का बर्तन लेके जाते हैं जो अर्थी के आगे, उसके ऊपर का ढक्कन इसने उठा के लाया, अर्थी के पास खोजा, कहीं से कील मिला उसको, और उस कील से अपने मित्र को बोला कि एक मंत्र उसको दिया और बोला कि इस मंत्र को पढ़ पढ़ के उस जो ढक्कन है उसमें सुराग करो, और सुराग करने के बाद बोला कि अपने आँख के पास जैसे कि एक दूरबीन लगाते हैं वैसे लगा करके इस मंत्र को बोलते रहो। उसके मित्र ने ऐसा ही किया और उसको प्रेत के दर्शन हो गए। अब जब दर्शन हो गए तो वो पागल हो गया, कई दिनों तक पागलों की तरह घूमता रहा। अंतोगत्वा फिर 10 महाविद्या की एक के मंत्र से उसको ठीक किया गया, और बहुत मुश्किल हुआ उसको ठीक करना, क्योंकि जो प्रेत था वो तो यही समझ रहा था कि वो जीवित है और उसका जो भांजा है वो उसको देख के भाग क्यों रहा है, ठीक है ना। तो प्रेत की ऐसी कहानी होती है, शुरुआत में प्रेत परेशान रहता है कि लोग उससे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बाद में प्रेत जो होता है वो गुस्सा हो जाता है कि लोग उससे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर उसको कहीं एक आशा दिखता है कि कोई व्यक्ति है जो मुझसे बात कर रहा है तो वो उसको पकड़ लेता है, ठीक है। तो यही कारण है कि आज तक अघोर तंत्र रहस्य पर हमने कभी भी भूत प्रेत की साधना आप लोगों को नहीं दी, और हम आज भी आपको यही बोलेंगे कि साधना को नहीं करना चाहिए। ये साधना आज मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि एक हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने कई बार ये मुझे मैसेज किया है कि हमें ये विश्वास नहीं है कि प्रेत होता है, ठीक है, हमने बहुत सारी साधनाएं की हैं, शक्तियों का आभास नहीं हो रहा है। शक्ति आभास के लिए तो हमने जैसे एक मंत्र दे रखा है, होंग नमः शिवाय, जो अघोर तंत्र रहस्य का पहला वीडियो है वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर अब प्रेत ही देखना है तो कुछ साधकों के लिए मैं एक प्रेत साधना बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो प्रेत साधना है ये दो चरण में होता है। पहले चरण में जिसका पेट भर जाए वो पहले चरण में रुक जाए, और दूसरे चरण तक जिसको जाना है वो जाए, लेकिन अपने रिस्क पर। जब आप पहला चरण प्रेत साधना का पूर्ण करेंगे तो आपको प्रेत का दर्शन होगा, ठीक है, और जब आप दूसरा चरण प्रेत साधना का करेंगे तो प्रेत आपसे आकर के वार्तालाप करेगा, आपसे पूछेगा कि आपको चाहिए क्या, आप क्यों बैठ के ये साधना कर रहे हैं। पहला साधना किसी भी श्मशान में हो सकता है, दूसरा साधना उसी श्मशान में होगा जहाँ पर एक बबूल का वृक्ष हो, ठीक है। और आज के दिन में जो 5-स्टार शवगृह होते हैं, जो 5-स्टार व्यवस्था के साथ जहाँ लोग बैठे रहते हैं, गांजा पीते रहते हैं या फिर बातचीत करते हैं, वैसा हम लोगों को श्मशान नहीं चाहिए, वैसा श्मशान घाट नहीं चाहिए। जहाँ पर लोग आते जाते ना हो ऐसा श्मशान घाट हम चुनेंगे साधना के लिए। पहली साधना पूर्ण रूपेण तामसिक, जो साधक है वही करेंगे, जिनके पास गुरु मंत्र हो जिससे वो अपना घेरा और बंधन कर सके वो करेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, अगर आपके पास भैरव मंत्र का गुरु मंत्र है या 10 महाविद्या में किसी एक महाविद्या का आपके पास गुरु मंत्र है, तो कारण यानी शराब से अपना घेरा बंधन करेंगे, मतलब तो शराब गिराते जाएंगे एक गोले में और एक पूरा गोला सर्कल कंप्लीट करेंगे, उसके बीच में जो मसान में कपड़ा रहता है, जो
अर्थियाँ आती है उसके ऊपर जो कपड़ा रहता है वैसा एक कपड़ा को ला करके उसका आसन बनाएंगे। ठीक है, सामने एक कटोरे में आप मांस परोसेंगे और एक जो है बाटी रखेंगे, कटोरा जिसमें आप कारण भरेंगे, ग्लास में नहीं भरेंगे कभी भी, है ना। और ये जो भी रहेगा ये पत्ते का रहेगा या डिस्पोजेबल आजकल मिल जाता है लेकिन पत्ते का उत्तम होता है। इसके साथ आप सरसों तेल का एक आटे का बना दीपक, उसमें सरसों तेल डाल करके और जो मसान में ये जिसका आपने आसन बनाया उसी कपड़े से तोड़ करके बाती बना के उसको हम जलाएंगे। साथ में आप धूप जला सकते हैं, गूगल के अलावा कोई भी, ठीक है, गूगल और लोबान भी नहीं जला सकते हैं कई बार, तो इतना व्यवस्था कर लेंगे। और उसके बाद एक माला है, एक मंत्र है, उसको आपको लगभग 1.25 लाख जाप करना है। कितना जाप? 1.25 लाख। अगर कोई गुरु दे दे सीधा तो फिर कम हो जाता है, ये 9 दिन का जाप होता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन चैनल से ले रहे हैं तो इस मंत्र को आपको 1.25 लाख जाप करना है। क्या है मंत्र? मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं अं श्रीं महासर्वस्य प्रदायिने नमः। ओम ह्रीं क्लीं अं श्रीं महासर्वस्य प्रदायिने नमः। ओम ह्रीं क्लीं अं श्रीं महासर्वस्य प्रदायिने नमः। इस मंत्र का जब आप जाप करते हैं तो ये मूलभूत रूप से भगवती का मंत्र है, ठीक है, और भगवती का आप आवाहन करते हैं। लेकिन इस मंत्र की एक और खासियत है। क्या खासियत है इस मंत्र का? इस मंत्र से जो मृत आत्माएं होती हैं जिनका अभी जो है डा पार नहीं हुआ है, वैसी जो मृत आत्माएं हैं वो आपसे आकर्षित होकर के आपको दर्शन देती हैं। तो जिनको सिर्फ एडवेंचर के लिए करना है वो जिस समय आपको दर्शन हो जाए उसी समय इस साधना को रोक दीजिएगा, इसके आगे की साधना आप मत करिएगा, ठीक है। जब जब भी आप श्मशान से निकले तो पैर हाथ पहले श्मशान के अंदर धोए फिर बाहर धोए। साथ में हमेशा काला सरसों, ठीक है, इसको रखना है। और जब आप मसान से बाहर निकलते हैं तो उसको छोड़ते जाना है, और घर और मसान के बीच में किसी एक जगह पर सारा काला सरसों आप छोड़ देंगे तो कोई भी जो प्रेत आपको फॉलो कर रहा होगा वो वहीं पर रुक जाएगा। अब वो जिनको कि कम्युनिकेट करना है उनके लिए ये साधना थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। ये जब आपको एक बार दर्शन हो गया इसके बाद आप उस श्मशान में चले जाइए जहाँ पर बबूल का वृक्ष हो, ठीक है, और 3 रात्रि तक जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ उसका 108 बार जाप करेंगे। ये तो ज़्यादा आसान साधना है, ठीक है, लेकिन इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप 108 बार जाप करते हैं ना तो आपका मन बिल्कुल ही एकाग्र होना चाहिए, आपका मन भटकना नहीं चाहिए, आपका जो मन है वो रहना चाहिए कि हमको प्रेत देखना है, हमें जो है प्रेत से बात करनी है। ये नहीं कि हम जाप भी कर रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं, डर रहे हैं, ये सब नहीं। एकाग्र होकर के जैसे आपने 1008 का जाप किया, 3 रात्रि तक जाप किया, तीसरी रात्रि में प्रेत दर्शन देता है, ये बहुत साधकों के साथ हो गया है। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम श्री बम बम भूम भूतेश्वरी मम कुरु स्वाहा। ओम श्री बम बम भूम भूतेश्वरी मम कुरु स्वाहा। ये जब आप जाप करेंगे तो जो प्रेत है वो आपके प्रत्यक्ष हो जाएगा और वो आपसे पूछेगा आपको क्या चाहिए। आपको बोलना है कि मुझे सिर्फ आपका दर्शन चाहिए था, और आप सुरक्षा प्रदान करें सभी को, और आपको अब यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। ऐसा बोल करके आप वहाँ से उठ जाएं, फिर वही जो विधान आपको बताए कि प्रेत आपको फॉलो ना करे वो कर लीजिएगा, और फिर कान पकड़ लीजिएगा कि जीवन में कभी भी प्रेत साधना नहीं करेंगे। जो हो यहाँ से प्रेत से को वचन में बांधेगा, प्रेत आपको भी वचन में बांधेगा, और जितना वो आपको देगा उससे 3 गुना लेगा, और जिस तरीके से लेगा वो आपको कभी पसंद नहीं आएगा, ठीक है। जो चीज़ें वो आपसे मांगेगा, जो आपको सैक्रिफाइस जीवन में करना होगा, वो जो वो आपको देगा उससे कहीं ज़्यादा महंगा होगा। इसलिए कभी भी प्रेत से आप काम ना लें। ये साधना मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि जो साधक हैं, जो अघोर पंथ में हैं, जो चाहते हैं कि उनको कुछ दिखे, कुछ नज़र आए,
वो लोग इस साधना को करें और इसका मतलब सिर्फ एक एक्सपीरियंस वाइज इसको करें, ना कि ऐसा कुछ सोच करके कि हमें इससे पावर लेना है। भूतों से आप बहुत ज्ञान भी नहीं ले सकते, क्योंकि भूत भी मनुष्य ही होते हैं और इनका भी ज्ञान उतना ही होता है जितना हमारे पास है। हाँ, अगर कोई ऐसी शक्ति का आपको और आवाहन करना है तो आप पूछ सकते हैं कि इस मशान में और कोई शक्ति है क्या जिसका आवाहन किया जा सकता है। उसमें भी भूत सही बोले, ये आप मान के चलिए कि 10 में से 9 बार जो भूत होते हैं वो झूठ ही बोलते हैं अलग अलग कारणों से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। भगवान भैरव आप सभी को अनंत साधनाएं और सिद्धियां दे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसके अलावा जिनको मुझसे डायरेक्ट बात करना है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, वहाँ से भी मुझसे बात कर सकते हैं या आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती भद्रकाली और बाबा भैरव आप सभी को सुरक्षा प्रदान करें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।